जी सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, पहचान लिए? जी सर बिल्कुल, अब आपसे पहचान। क्या हाल चाल है भाई? सर बस ठीक है। कल आपकी एक कंप्लेन आई थी हमारे पास में कि आपसे किसी विवेक मिश्रा ने पैसा अपने बैंक अकाउंट में ले लिया, और क्या है पहले मुझे पूरा केस बताएं, पूरी कहानी बताएं मुझे पहले। ये सर है विवेक मिश्रा है, किंग ऑफ स्पार्टन के, और इनके साथ में संजीव मिश्रा भी। हाँ मैं पहचान रहा हूँ दोनों को। तो ये दोनों लोग कंपनी में ही थे, और इन्वेस्टमेंट और वगैरह PIT हुआ, और मतलब गोमती नगर में जो मैं पहचान गया, मैं विवेक और संजीव दोनों को पहचान गया, किंग ऑफ स्पार्टन ये भी पहचान गया, नीचे जो है सेकंड फ्लोर पे बैठा करते थे ये भी पहचान गया। आगे बताइए आप कहानी क्या, वो बताइए मैं पूरा पहचान गया। जी सर, इन्होंने सर कई बार जैसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर कंपनी का जो अकाउंट नंबर जो है, कंपनी का अकाउंट नंबर बताकर अपने अकाउंट में पैसे ले, मतलब अपने घर वालों। तो बाद में जब उसकी जो बैंक की स्टेटमेंट निकाली गई तो श्रद्धा मिश्रा और ये करके उसमें जब शो हुई तो मैंने इनसे पूछा भी, तो ये भड़कने लगे, कहते ऐसा कहीं कुछ नहीं है, आपका पैसा कंपनी में ही निवेश हुआ है। और ये अब बात ही नहीं करते हैं और ना ही कोई रिस्पॉन्स देते हैं, यही कह रहा है कि कंपनी भाग गई। ओके और तो, सर हमारा काफी काफी इन्वेस्टमेंट है, ये जो है क्या कहते हैं गैलेक्सी कानपुर 24 गैलेक्सी में, ये 2015 में फुल अमाउंट पे हमारा प्लॉट भी बुक है 8,43,000 कुछ करके। हाँ। तो अभी उसका ना ही कोई रजिस्ट्री हो कुछ भी नहीं हुआ है, और वो पैसे आपने कंपनी बैंक अकाउंट में दिए हैं प्लॉट वाले? हाँ सर बिल्कुल, कंपनी के अकाउंट में दिए हुए हैं। कोई बात नहीं, अब मैं आपसे जो सवाल को उसका जवाब दीजिएगा। जी सर। देखिए कंपनी बैंक अकाउंट में जो पैसे गए हैं, आप लोगों को विश्वास रखना चाहिए कंपनी उन्हीं पैसों की वापसी, उन्हीं प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए फाइट कर रही है, और अपने आप बचाने के लिए कोई फाइट नहीं कर रही है। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे लोगों के पैसे नहीं है, हमने कभी भी नहीं कहा। थोड़ी सी सच्चाई लोगों के सामने मैं लेकर के आया कि भाई कंपनी के अकाउंट में जो पैसे आए हैं वो तो कंपनी जिम्मेदारी है, लेकिन जो पैसे कंपनी बैंक अकाउंट में नहीं आए हैं उन पैसों के लिए एसोसिएट से बात करना पड़ेगा। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर खलबलाहट मचनी शुरू हो गई। जाहिर सी बात है अगर कंपनी पैसा देने की बात कर रही है तो हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं भाई कंपनी अगर कह रही है देने के लिए तो चलो कंपनी सपोर्ट करते हैं, कंपनी को आने देते हैं, हिसाब किताब बैठ के हो जाएगा, कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है समय निर्धारित हो जाएगी। ये छोड़ करके लोग अपने कस्टमर को बहकाने लगे, झूठ बोलने लगे कि वो तो ऐसे ही कह रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी रही हैं। अब आपके सामने एक रास्ता, नाम क्या है आपका? कुशवाहा जी, आपके सामने एक रास्ता है। पहले तो विवेक मिश्रा को आप संपर्क करें, और हम भी अपने माध्यम से उन तक संदेश जरूर पहुंचवाएंगे कि आपसे संपर्क करके जो पैसा उन्होंने आपसे लिया है अपने बैंक अकाउंट में या अपने घर वालों अकाउंट में, किस सन में दिया था पैसा आपने, ये क्या क्या सन था वो? ये सर लास्ट में जब कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तभी दिया हुआ है। 2019 मतलब 2019-18 हमने इस बात से इनकार नहीं है। और सर ये लोग जो भी रसीद वगैरह देते हैं लॉयल्टी पॉइंट तक आप सर बता रहे थे, हाँ उसमें जो भी, क्योंकि ये लोग एक दूसरे की चेक हमारी बुकिंग किसी दूसरे की करवा दी, दूसरे की बुकिंग फिर बाद में हमारी कराई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बाद कई ये महीना डेढ़ महीना टाइम ले लेते थे बुकिंग की रिसीप्ट वगैरह देने में, तो ये सब काफी चीजें हम लोग नहीं समझ पाते थे, क्योंकि उस समय कंपनी जो है अच्छी तरीके से चल रही थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं आपके आपके हल की तरफ बढ़ लेता हूँ बेटा, आपके हल तरफ आगे बढ़ जाता हूँ। पहली चीज़ ये है कि जो भी उन्होंने आपसे पेमेंट लिया है अकाउंट में अगर दिया होगा तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तब भी हम ये नहीं कह सकते कि उसमें आपको परेशान होना चाहिए, ठीक है? अगर उन्होंने अकाउंट में दिया हुआ है तो वो अगर साथ खड़े आपके और कंपनी के तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर साथ खड़े हैं तो। लेकिन अगर उनकी भाषा ये निकली कंपनी भाग गई ये वो दुनिया कहानी, तो मैं तो नहीं माफ़ करूँगा, भले आप लोग माफ़ कर दें, ठीक है?
इसलिए क्योंकि जिस कंपनी का चेहरा दिखा करके नहीं, उनके चेहरा तो इस लायक नहीं था कि लोग उनको लाखों रुपए दे देते। अगर होता तो आज भी वो कहीं ना कहीं ऐसा काम कर रहे होते जिसको शाइन सिटी बना चुके होते वो लोग। तो जो लोग शाइन सिटी का चेहरा, शाइन सिटी का ऑफिस, शाइन सिटी कुर्सी दिखा करके लोगों से पैसा वसूले, अपने अकाउंट में रखे और आज कहते कंपनी भाग गई, ऐसे लोगों मैं नहीं माफ करूंगा। आपको सबसे पहले कोशिश करिए कि अगले 24 घंटे उनसे संपर्क हो जाए। अगर नहीं होता है तो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के साथ में आपको एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। आप कहाँ रहते हैं, किस शहर रहते हैं? जी कानपुर नगर। ठीक, तो आप अपने कानपुर नगर के पुलिस अधीक्षक महोदय को एक चिट्ठी एक लिखकर डालेंगे और 16 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में, 16 से 25 के बीच में मैं प्रयागराज में एक लॉयर दूंगा जो इन सभी चिट्ठियों को क्लब करके बाकायदा इनकी रिट बना करके हाईकोर्ट में लगाएंगे। और ये लगाएंगे ये लोग जो पैसा अपने अकाउंटों में लेकर बैठे हैं और कंपनी को बदनाम किए हैं। अगर कस्टमर की लायबिलिटी उतर रही तो इनका क्या होगा जिन्होंने शाइन सिटी के नाम पर ही पैसा उठाया लेकिन कंपनी में ना दे करके खुद का जीवन वैभव से भरा और खुद ऐश किए और कस्टमर को मरने के लिए छोड़ दिए। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, मैं सबको हाईकोर्ट खींचूंगा। जी सर बिल्कुल ऐसा ही सर करना चाहिए क्योंकि उसके बाद ये लोग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिए, काफी बार कॉल भी की गई। कोई नहीं जब हाईकोर्ट से जब ऑर्डर या चिट्ठी इश्यू हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक का पैसा है, हाईकोर्ट इसको इग्नोर कर ही नहीं सकता है। और अगर लोगों ने ये डाला, अभी तक मेरे पास 100 से ऊपर कंप्लेने आ चुकी हैं, अगर 100 लोगों ने एविडेंस के साथ ये डाला कि शाइन सिटी के नाम पर हमसे पैसा लिया इन लोगों ने, और जब भी बात हुई तो कहा कंपनी भाग गई, और आज जब कंपनी आने की बात कर रही है तो ये लोग संपर्क करना बंद कर दिए हैं। जो लोग कहते थे कंपनी भाग गई वो सामने क्यों नहीं आते कि भाई कंपनी आ गई, चलो चल करके अपना रास्ता निकालते हैं? क्यों नहीं कहते ये सब बातों को वो लोग जो कंपनी को भागने में सबसे आगे कूद रहे थे? आज कंपनी के आगे में क्यों नहीं आगे कूद रहे हैं वो क्यों भाग रहे हैं? संजीव मिश्रा तो अपनी खुद की लैंड खरीद के उसमें प्लॉट ऑफर करने लगे थे कि हमारे साथ हमारे प्लॉट, मैंने जमीन लीजिए, हमारे प्लॉट खरीदिए। हर किसी को जिसने भी शाइन सिटी के कस्टमर को प्रलोभन देकर अपना साइट प्रमोट कराया है, जिसने भी अपनी जमीनें दिखाकर लोगों से कहा क्या क्या है जमीन, हर किसी को मैं खिंचवाऊंगा कोर्ट में। मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो। अगर किसी ने शाइन सिटी के भागने के नाम पर अपना प्रोजेक्ट चालू करा लिया और ये कहा कंपनी भाग गई, आइए यहां पर अपनी लायबिलिटी खत्म कर, मैं उनको भी खिंचवाऊंगा कि होते कौन हो ये कहने वाले कंपनी भाग गई। उनको किसने कहा कंपनी भाग गई? कहां से सुना उन्होंने कंपनी भाग गई? किस विश्व सूत्र से उनको पता चला कंपनी भाग गई? क्या सबूत है कंपनी भाग गई? मैं बख्शूंगा नहीं किसी को। जितने लोगों ने अपने प्रोजेक्ट प्रमोट किए हैं, जितने लोगों ने अपनी कंपनी बनाई है, जितने लोगों ने कंपनी को बदनाम किया है, जितने लोग कंपनी का पैसा, कस्टमर पैसा लेकर बर्बाद किया, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। आप सिर्फ 24 घंटा इंतजार करिए, मैं आपका नंबर सेव कर रहा हूं। 24 घंटे इंतजार करिए, अगर आपके पास विवेक मिश्रा, संजीव मिश्रा का कॉल नहीं आता है तो आप चुपचाप अपने वो निकालिए, डॉक्यूमेंट्स निकालिए जो आपने पैसा उनको ट्रांसफर दिया है, एक ड्राफ्टिंग करिए, मैं बता रहा उसको नोट कर लिए, अपना नाम लिखते हुए कि मैं शाइन सिटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने इनको एक चेक दी थी, जिस चेक पे इन्होंने अपने परिवार के किसी श्रद्धा मिश्रा नाम लिख करके इन्होंने फला फला अकाउंट डिटेल में अपना अकाउंट नंबर है वो कर लिया है। पूरा बाकायदा बनाकर डालिए, एक वकील से मिल लीजिएगा, 10-20-25-50 रुपए लगेगा रजिस्ट्री का, 100-200 रुपए लगेगा ड्राफ्टिंग का, और बाकी जो है आपका उसे वो कर देंगे आपकी मदद। लेकिन आप पैसा सुरक्षित हो, अगर आपने FIR करी वो संपर्क कर लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग तो संपर्क करके पैसा देने लग गए हैं वापस, आधा से ज्यादा कस्टमर तो मैं समझता हूँ पैसा ही पा जाएगा अगर उसने FIR करा दिया तो। जिस कंपनी को भगा दिए कह के बोले FIR करो तो पैसा मिलेगा, आज जब कंपनी कह रही कि वही मौजूद है, FIR करो पैसा नहीं मिलेगा, तो पैसा मैं पैसा दूंगा अगर वो ना दे पाए तो मैं पैसा दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं मैं पैसा दूंगा। आप FIR तो करिए उनके ऊपर, अगर वो नहीं दिए तो पैसा मैं दूंगा। जी बिल्कुल सर, एक्शन लिया जाएगा, एकदम एक्शन लीजिए। बिल्कुल सर, ये काम सर आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं कि मतलब पर्सनली कांटेक्ट करके, मैंने आपको कांटेक्ट करने के बहुत काफी मेल किए, कंटिन्यूटी मेल करता रहता लेकिन रिस्पांस नहीं आया था तभी तो, लेकिन आज आपने कॉल किया तो बहुत ही कॉन्फिडेंस इससे कस्टमर का बढ़ेगा। और एकदम जिसने कोई बीच में ना पड़ कर डायरेक्ट आपसे बात होगी तो इससे कोई बीच में मतलब दलाली वगैरह और कुछ नहीं कर पाएगा। मैं काफी हूँ, मैं अकेला काफी हूँ,
मैं ऐसे लोगों का जवाब देने के लिए काफी हूं। मैंने एक बार अपनी एक मीटिंग में लाइन बोली थी, वो थी लाइनें किसी और की, लेकिन मैंने बोला था कि जिंदगी के हर जीत हर जंग को जीत कर आने के लिए काफी हूं, मेरे दोस्त में जमाने के लिए काफी हूं। तो मैं काफी हूं, अपने हर एक कस्टमर तक पहुंचने के लिए काफी हूं, अपने हर एसोसिएट के साथ खड़ा होने के लिए काफी हूं, अपनी कंपनी की लायबिलिटी उतारने के लिए काफी हूं, अपनी हर लड़ाई लड़ने के लिए काफी हूं। मैं आप लोग परेशान मत होइए, मैं आ चुका हूं और जल्दी कंपनी वापस लेकर के आऊंगा, हर एक कस्टमर की लायबिलिटी भी खत्म करूं, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं बख्शूंगा। जो लोग उस समय ये कहते थे कंपनी भाग गई कंपनी भाग गई, आज वो आकर क्यों नहीं कहते कंपनी आ रही चलो मिलकर अपना पैसा ले लेते हैं, क्यों नहीं आ रहे सामने? वो कंपनी कह तो रही चीख चीख के हम देंगे पैसा, हम दे रहे पैसा, आप आइए ना सामने लीजिए ना पैसा। आपने अगर पैसा अपने अकाउंट में लिया है तो आपने कंपनी में दिया होगा, तो आइए दिखाइए बताइए कि देखिए ये पैसा मैंने लिया था, ये कंपनी अकाउंट मैंने दे दिया पैसा, और इस पैसे के बिहाव पर हमने इनको रसीदें दी हैं और हमने किसी और को इस पैसे की रसीद नहीं दी है, आइए लिख के तो दीजिए, और नहीं तो विश्वास जानिए इस बार कोर्ट में जो रिट पड़ेगी कस्टमर की तरफ से, ऐसे कस्टमर तरफ से, वो ऐसे लोगों की जिंदगी को खराब कर देगी जिन्होंने अपने अकाउंटों में पैसा लिया और लेकर के अपनी जिंदगी ऐश से जी रहे हैं और लोगों से कहती कंपनी भाग गई, उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी मुकदमा लड़ते लड़ते, वकील को देने की फीस तक नहीं बचेगी ऐसे लोग पास। जी सर बिल्कुल ऐसा ही सर करना चाहिए, ये लोग तो खुद से ही कंपनी के थ्रू, इन लोगों को कपड़े पहनने की तमीज नहीं थी, कंपनी के थ्रू इतना सब कुछ पाया और बाद में कंपनी को ही बदनाम कर दिया। अपने कस्टमरों के साथ मैं खड़ा हूँ, लॉयल एसोसिएट के साथ मैं खड़ा हूँ, वफादार लोग साथ में खड़ा हूँ, मैं देखता हूँ इनके साथ कौन खड़ा होता है, मैं देखता हूँ। जी सर कुशवाहा जी आप अपनी डिटेल तैयार करिए और मुझे जो है आप संपर्क करें कल इसी टाइम पर, 24 घंटे समय मैं दे रहा हूँ इनको, विवेक मिश्रा को, संजीव मिश्रा को, अगर संपर्क कर लेते अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो 25वें घंटे में आप पुलिस अधीक्षक महोदय को एक चिट्ठी लिखकर मुझे संपर्क करें, मैं ड्राफ्टिंग बताऊंगा करवा करके, आप जो 16 तारीख से लेकर के 25 तारीख बीच कभी भी इलाहाबाद पहुंचेंगे वहां वकील साहब मिलेंगे और आप सभी कस्टमर की रिट बनाकर इस चिट्ठी के आधार पर वो डालेंगे कोर्ट में और कोर्ट से सवाल करेंगे कि शाइन सिटी वापस आ रही है, कह रही है कि हम पैसा देंगे कस्टमर का, लेकिन मेलॉर्ड इन लोगों का क्या होगा जिन्होंने पैसा किसी और के अकाउंट में दे दिया और ये किस जो लोग हैं ये कंपनी भाग के नाम पर अपनी जिंदगी ऐश इस तरह से गुजार रहे हैं। कंपनी अगर भाग गई तो पहला असर उन पे पड़ना चाहिए ना, कहां से प्रोजेक्ट आ गया, कहां से गाड़ियां आ गई, कहां से महंगे महंगे कपड़े मोबाइल मेंटेन कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं वो, कंपनी भाग गई है तो पहला असर तो उन पे पड़ना चाहिए ना। अगर घर किसी का लुट जाएगा तो घर में जो सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ी विपदा उसके ऊपर आनी चाहिए ना, बच्चों से थोड़ी कहेगा बेटा घर लूट गया अब तुम लोग जाओ जाकर भूखे मरो, हम जा रहे हैं कहीं और अपनाव करने के लिए। अगर सीनियर थे अप्लाइनर थे तो साथ खड़े रहना चाहिए ना। बिल्कुल सर चलिए ठीक, बहुत जल्दी मैं इस पर भी एक जूम मीटिंग भी करूंगा और आप जो है अपनी तैयारी करें इसके लिए। ठीक सर, और पूछनी थी मुझे जी सर, जैसे कि रसीदें उनके द्वारा जो दी गई हैं, हाँ सर, वो रसीदें मतलब कैसे, मतलब वो करेक्ट है ठीक है या उसमें भी कुछ इशू है? आप मुझे भेजिए ना रसीद, आप रसीद मुझे भेजिए। अच्छा ठीक है सर, मैं आपको इसी नंबर पे सर, हाँ इसी नंबर व्हाट्सएप कर दिया मुझे। अच्छा ठीक है सर, मैं इसी नंबर भेजता हूँ, वैसे मेरा एक और नंबर उसे भेजेंगे जल्दी देख लूंगा, जो मेरा नंबर 9715584850 वाला उसे भेजेंगे तो मैं थोड़ा जल्दी देख लूंगा। अच्छा ठीक है सर, मैं भेजता हूँ। बाकी सर अब जो सर हमारा तो सर फुल अमाउंट भी बुक था लेकिन आज तक सर मिल नहीं पाया कुछ, जैसे चौबेपुर गैलेक्सी में भी था, साइन गैलेक्सी में, रजिस्ट्री खुल जाने दीजिए गैलेक्सी वगैरह, जहां कहीं भी हमारी जमीन है जहां पैसा आया है, या तो आपको जमीन मिलेगी या तो आपको पैसा वापस मिलेगा। अच्छा सर ठीक है, या वहीं जमीन मिलेगी, वहां जमीन नहीं पसंद आया तो उतनी कीमत की जमीन कहीं और मिलेगी, वो भी पसंद नहीं तो पैसा वापस मिलेगा। सिंपल सा फंडा है, कंपनी के सारी सब कुछ तैयार है, रोड मैप तैयार है, कंपनी की नियत क्लियर है, कंपनी अपने कस्टमर को जमीन देगी पैसा देगी, दोनों में जहां कस्टमर खड़ा होगा कंपनी वहां उसके साथ खड़ी होगी। अच्छा ठीक है, पूरे इन्वेस्टमेंट का सर जैसे कि एक ही जगह जमीन मिलने की संभावना है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आपकी सहूलियत होगी, हम आपसे वादा करते हैं, आप सभी का वादा करते हैं कस्टमर से कि आपके सामने कोई ऐसा रोड मैप नहीं आएगा जो आपके पैसा मिलने आप जमीन लेने रोड़े अटकाए, आपकी सहूलियत हिसाब से हम काम करेंगे। अच्छा, या फिर सर इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है तो वो जो अमाउंट भी दिया जा सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहा ना मैंने, या आप जमीन लीजिए या पैसा लीजिए। अच्छा
अच्छा, तो मतलब जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो प्लान के हिसाब से दिया जाएगा या फिर केवल सिर्फ मूलधन दिया जाएगा? ये अभी नहीं बताया जा सकता है, ये डिपेंड करेगा कोर्ट की स्थितियों के साथ में, ये अभी नहीं बताया जा सकता है। अच्छा अच्छा, मतलब आप ये मान चलिए कि आपका प्रिंसिपल तो पूरी तरीके से सुरक्षित है ही, प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो अभी मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि देखो बोल तो मैं भी नहीं सकता हूं, मेरी नियत तो है कि आप सबको खुश करके भेजूं, मेरी नियत है कि मेरे दरवाजे कोई आए तो अगर वो अपना पैसा लेके जाए तो हाथ जोड़ के प्रणाम करके, हाथ उठा के आशीर्वाद दे करके जाए, बाहर निकल के ये ना कहे कि 4 साल के बाद भी मिला तो खाली यही मिला, ये ना करे, मेरी तो नियत ये है। लेकिन अभी कोई चीज मैं कहूंगा तो वक्त से पहले कहना होगा मेरा, और वक्त से पहले भी कोई बात मैं नहीं कह पाऊंगा, मेरी नियत वही है जो मैंने बताया आपको। जी सर, ठीक है, ठीक सर, ठीक सर, चलिए खुश, फिर कल आप मुझे संपर्क करिए, मैं नंबर आपका सेव कर रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल कॉन्टेक्ट करता हूँ। चलिए नमस्कार जी, नमस्कार।